चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल की जवाब में भारत ने खेल दिया बड़ा दाव। चीन के खिलाफ भारत ने असम में पिनाका और स्मर्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। चीन के जिस परीक्षण से अमेरिका ने भी जता दी चिंता, उसका तोड़ है भारत के पास। दोस्तों, हम आपके सामने आज ऐसी खुशखबरी लेके आए हैं जिसे सुन आपका दिल खुशी से फूल उठेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने LAC पर चीनी सेना को सबक सिखाने का बहुत बड़ा प्रतिबंध कर लिया है। भारत ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के जरिए ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया है कि चीन तो चीन, पाकिस्तान भी कांप रहा है। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको चीन के उस हरकत के बारे में बताएंगे जिसे लेकर अमेरिका ने चिंता जताई है। दोस्तों, चीन के इस हरकत के जवाब में भारत ने अपना अपार शक्ति प्रदर्शन किया है। इसके अलावे इससे जुड़ी सारी जानकारियां आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखाएं और हमारा हौसला बढ़ा दें। दोस्तों, चीन द्वारा हाल में एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित किए जाने की खबरों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका चीनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर चिंतित है। जी हाँ दोस्तों, बाइडन ने चीन के इस चाल को लेकर चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल कम से कम Mach 5 की गति से चलती हैं, जो कि ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक है। इस समय में जब चीन LAC पर युद्ध के लिए आतुर हो रहा है, ऐसे हालात में चीन के इन हरकतों से भारत क्या अमेरिका भी चौकन्ना हो गया है, और इसी क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति ने चिंता भी दिखाई है। दोस्तों, समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स यानी FT ने इस सप्ताह खबर दी थी कि चीन ने अगस्त में एक परमाणु सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन चीन ने इस खबर को खारिज करते हुए कहा कि उसने एक हाइपरसोनिक यान यानी हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण किया है, न कि परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का। एक प्रमुख ब्रिटिश समाचार पत्र ने अपनी खबर में दावा किया था कि चीन ने उन्नत अंतरिक्ष क्षमता वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है और यह लगभग 24 मील की दूरी के अंतर से अपने लक्ष्य को भेदने से चूक गई है। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल हासिल करने की खबर ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। दोस्तों, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खुद चीन ही बता सकता है, लेकिन चीन के किसी भी बात पर यकीन करना किसी खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों, वो कब कौन सी चाल किसके खिलाफ चल दे ये कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, चीन जिस मिसाइल को अगस्त से पूरी दुनिया से छुपाता आ रहा है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इससे आप ये समझ जाएंगे कि क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने चिंता जाहिर की है। दक्षिणी ध्रुव तक हमला कर सकती है ये मिसाइल। अमेरिका पर दक्षिणी ध्रुव जैसी अप्रत्याशित दिशा से हमला करने की क्षमता वाला मिसाइल। खबर के मुताबिक चीन ने एक परमाणु सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया है जिसने अपने लक्ष्य की ओर तेजी के साथ बढ़ने से पहले पृथ्वी का चक्कर लगाया। इसमें कहा गया कि इस परीक्षण से अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी हैरान हो गईं। नेशनल पब्लिक रेडियो के अनुसार यह नया हथियार बहुत अहम कहा जा रहा है क्योंकि यह अमेरिका पर दक्षिणी ध्रुव जैसी अप्रत्याशित दिशा से हमला कर सकता है। रेडियो ने कहा, अमेरिका की मिसाइल रक्षा और पूर्व चेतावनी रडार प्रणाली उत्तरी ध्रुव की दिशा पर नजर रखते हैं, जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए मानक मार्ग है। इसीलिए देश विपरीत दिशा से हमले के लिए तैयार नहीं होगा, और दोस्तों यही वजह है अमेरिका को चिंता में डालने के लिए। अलग अलग ऊंचाई पर ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है मिसाइल। उन्नत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी क्षमताओं और प्रोटोटाइप सिस्टम से लैस है ये मिसाइल। अमेरिका भी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहा है। अमेरिकी नौसेना ने यह स्पष्ट कहा कि चीन ने एक ऑपरेटिंग वातावरण में उन्नत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी क्षमताओं और प्रोटोटाइप सिस्टम का प्रदर्शन करते हुए सफलतापूर्वक एक परीक्षण किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि हाइपरसोनिक हथियार अत्यधिक रफ्तार वाला हथियार है जो अलग अलग ऊंचाई पर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों अमेरिका चीन की इस हरकत से परेशान हो गया है और अपनी चिंता ऐसे जाहिर कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है अमेरिका की ये चिंता किस हद तक जायज है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, LAC पर चीन के बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है।
दोस्तों उधर चीन छुप छुप के अपने मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है और मन ही मन अपनी जीत और भारत के हार के सपने सजा रहा है। लेकिन ये चीन भूल चुका है कि भारत उससे दो कदम आगे ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अपने मल्टीपल रॉकेट सिस्टम के जरिए ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया है कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक हिल उठेंगे। भारत ने असम में पिनाका और स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन, मात्र 44 सेकंड में ही कर देगा दुश्मनों को ढेर। दोस्तों वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ने असम में पिनाका और स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया है। भगवान शिव के धनुक पिनाक के नाम पर रखे गए पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को भारत में तैयार किया गया है। वहीं स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सोवियत डिजाइन वाला है, जिसका उद्देश्य तोपखानों, कमांड पोस्ट और गोला बारूद डिपो में कर्मियों, बख्तरबंद और सॉफ्ट टारगेट को खत्म करना है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने तैयार किया है। इसके तीन वेरिएंट्स में से पहले MK1 वेरिएंट की रेंज 45 किलोमीटर, MK2 वेरिएंट की 0 किलोमीटर और सबसे एडवांस्ड माने जाने वाले MK3 वेरिएंट की रेंज 120 किलोमीटर बताई जा रही है। 100 किलोग्राम वजनी इस हथियार की लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच तक है। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक साथ 12 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। एक लॉन्चर बैटरी के साथ सिर्फ 44 सेकंड में 72 पिनाका रॉकेट्स को दागा जा सकता है। ये सेकंड्स में दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों गौरतलब है कि 1999 में पाकिस्तान के साथ करगिल युद्ध के समय भारत ने पिनाका लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया था। ऊंचाई वाले इलाकों में बने पाकिस्तानी बंकरों को नस्त नाबूद करने में इस हथियार ने खासा भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि बैटरी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सारथ ने कहा, पिनाका और स्मर्च मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम विभिन्न प्रकार के गोला बारूद को फायर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन सिस्टम की तेज प्रतिक्रिया समय और उच्च सटीकता कम समय में दुश्मनों पर हमले की तेज डिलीवरी सुनिश्चित करती है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक हथियार तैयार कर रहे हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब हाल ही में ये खबरें आईं कि चीन ने परमाणु क्षमता से लैस एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की है। कहा गया है कि चीन के इस मिसाइल ने टारगेट हिट करने से पहले पूरी धरती का चक्कर लगाया था। मिसाइल ने हर आधुनिक अंतरिक्ष क्षमता का प्रदर्शन किया और अमेरिकी इंटेलिजेंस भी हैरान रह गई। दोस्तों अमेरिका की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की नई रिपोर्ट इसी हफ्ते आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका, रूस और चीन ही अभी एडवांस्ड हाइपोसोनिक हथियार प्रोग्राम पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई और देश जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, जर्मनी और जापान शामिल हैं, वो भी अब हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने लग गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जहां ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाया है, तो भारत रूस के साथ इस टेक्नोलॉजी पर आगे बढ़ रहा है। CRS की रिपोर्ट में ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत रूस के साथ ब्रह्मोस 2 के डेवलपमेंट पर आगे बढ़ रहा है। यह मिसाइल Mach 7 की स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रिपोर्ट में लिखा है, हालांकि शुरुआत में भारत ने ब्रह्मोस 2 को साल 2017 में तैनात करने का मन बनाया था, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनसे संकेत मिलता है कि इस प्रोग्राम में देरी हो रही है और अब भारत ने साल 2025 और 2028 में इसे ऑपरेशनल करने का मन बनाया है। रिपोर्ट में आगे लिखा है, खास बात यह है कि भारत अब पूरी तरह से देश में बनी दोहरी क्षमता वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत डेवलप कर रहा है। जून 2019 और सितंबर 2020 में सफलतापूर्वक Mach 6 की स्पीड वाला स्क्रैमजेट टेस्ट किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत करीब 12 हाइपरसोनिक विंड टनल्स को संचालित कर रहा है। उसके पास Mach 13 से ज्यादा की स्पीड की भी टेस्ट करने की क्षमता है। आपको बता दें कि Mach 13 स्पीड यानी 1652.4 किलोमीटर प्रति घंटे की क्षमता से हमला करने वाली मिसाइल भारत बना सकता है। CRS की इस रिपोर्ट को अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के लिए स्वतंत्र विषयों में महारत रखने वाले विशेषज्ञों ने तैयार किया है। पिछले दिनों फाइनेंशियल टाइम्स ने एक खबर जारी की थी, इसके मुताबिक चीन ने एक ऐसी मिसाइल टेस्ट की जिसे पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से बताया गया है कि चीन ने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की है जिसने अपने टारगेट को भेदने से पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। हालांकि चीन ने बाद में कहा था कि वो एक स्पेसक्राफ्ट था, न कि मिसाइल।
चीन के इस मिसाइल टेस्ट ने अमेरिकी इंटेलिजेंस सर्विस को भी चौंका दिया। जिस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन चीन ने किया है वो एक एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी है जो बताती है कि यह देश कितनी तेजी से हाइपरसोनिक हथियारों के मामले में आगे बढ़ रहा है। यह हथियार अमेरिका की तरफ से डेवलप हो रहे हथियारों की तुलना में कहीं ज़्यादा आगे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि चीन के इस स्थिति पर भारत ने ऐसा जवाब दे दिया है, असम में मल्टीपल रॉकेट्स लॉन्चर्स की शक्ति प्रदर्शन कर कि चीन चौंक गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमें देखते रहें। धन्यवाद।